बहुत ज्यादा चर्चा में। इनफैक्ट जब एनडीसीए ने इंटरव्यूज भी दिए तो हमने अपने सोर्सेज को रीच आउट किया, गवर्नमेंट सोर्सेज को रीच आउट किया, तो हमको ये पता चला कि इनफैक्ट वोडाफोन के लिए बहुत जल्दी इनफैक्ट अच्छी खबर आने की कगार पे है। हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं कि वोडाफोन पीएनसी जो वोडाफोन की ग्लोबल आर्म है वो लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वोडाफोन आइडिया में कर सकती है। वोडाफोन आइडिया प्रमोटर लेड डेवलपमेंट प्रमोटर लेड फंडिंग में पार्ट ले सकती है। इनफैक्ट जो जैसे ही टेलीकॉम के रिफॉर्म्स यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए, वोडाफोन पीएलसी ने डीओटी डीपीआईटी और फिनमिन के साथ बातें शुरू करी कि किस तरीके से रिफॉर्म्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। तो आने वाले समय में डीओटी एंड डीपीआईटी दोनों ने इनफैक्ट काफी पॉजिटिव एफर्मेशन दी है कि हाँ जैसे टेलीकॉम रिफॉर्म्स कंप्लीट हो गए हैं यू कैन कम एंड यू कैन इन्वेस्ट एंड यू कैन पिकअप स्टेक इन एफडीआई, बिकॉज सिर्फ एफडीआई का जो 49% था उसको 100% कर दिया अंडर ऑटोमेटिक रूल। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो डीपीआईटी के थ्रू आएगी, यूरोपियन अमेरिकन नेशन से कोई भी इन्वेस्टमेंट आने में कोई भी रोक टोक नहीं है टेलीकॉम सेक्टर में, हालांकि किसी भी एफडीआई किसी भी सेक्टर में। तो अभी जो वोडाफोन ग्रुप है उसमें अबाउट वोडाफोन आइडिया उसमें दोनों प्रमोटर लगभग 72% स्टेक की हिस्सेदारी है, वोडाफोन 53.50% एंड आदित्य बिरला ग्रुप अभी 18.48% की हिस्सेदारी है। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वोडाफोन पीएलसी वोडाफोन इंडिया आर्म में कर सकता है।